हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटिंग किड यू। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स में ह्यूमन आई के एमसीक्यू को डिस्कस किया है, जो आने वाले रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप डी एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर है कॉर्निया, आइरिस, पिपुल, आई लेंस, सिलियरी मसल्स एंड रेटिना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिलियरी मसल्स हमारा ये वाला पोर्शन है, फिर हमारा आइरिस हो गया, फिर हमारा पिपुल हो गया, फिर कॉर्निया हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा एक्वस ह्यूमर है, ये हमारा विट्रस ह्यूमर है जेली, फिर हमारा ये ऑप्टिक नर्व्स है, फिर हमारा ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये हमारा येलो स्पॉट है यहाँ पे, फिर हमारा रेटिना है, फिर हमारा कोरवाइड है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन आई का कौन कौन सा है हमारा, तो कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, आई लेंस जो हमारा यहाँ था वो है, सिलियरी मसल्स है हमारा, फिर हमारा रेटिना है। ठीक है, अब है कि एक एक चीज को हम लोग फिर से डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा कॉर्निया किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज कॉर्निया, कॉर्निया हमारा क्या था। यहाँ से देखिए, कॉर्निया जो है हमारा है, ये हमारा स्फेरिकल मेम्ब्रेन है कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, ये हमारा क्या, स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग फ्रंट ऑफ द आई। तो हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग फ्रंट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की विच लिक्विड फिल द स्पेस बिटवीन बिहाइंड द कॉर्निया। देखिए, कॉर्निया के बिहाइंड कौन सा हमारा लिक्विड है, तो एक्वस ह्यूमर, ये लिक्विड हमारा एक्वस ह्यूमर है, तो आंसर क्या होगा, एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच लिक्विड फिल द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ये हमारा लेंस है, ठीक है, और रेटिना हमारा, लेंस और रेटिना के बीच में जो हमारा ये है, ये रेटिना है हमारा, इसके बीच में कौन सा लिक्विड है, तो हमारा विट्रस ह्यूमर, ये लिक्विड हमारा क्या है, विट्रस ह्यूमर, तो हमारा हो गया आंसर विट्रस ह्यूमर। तो विच लिक्विड फिल द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, तो हमारा आंसर हो जाएगा विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द आई लेंस हेल्ड इन इट्स पोजिशन। अब देखिए, आई लेंस है हमारा, इसको कौन हेल्ड किया हुआ है, इसको हेल्ड किए हुए सिलियरी मसल्स, हमारा आंसर होगा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हमारा क्या किया है, लेंस को हेल्ड किए हुए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज आइरिस, आइरिस हमारा क्या है, आइरिस देखिए यहाँ है, आइरिस हमारा है कलर्ड डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारा क्या है, ये कलर्ड डायफ्राम है, तो आइरिस हमारा क्या हो गया, कलर्ड डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई था, हम लोग ने इसको यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब देखिए, ये हमारा पिपुल है, पिपुल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा हमारा अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री द आई, तो हमारा आंसर होगा पिपुल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री द आई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज आई लेंस मेड ऑफ, आई लेंस हमारा किसी से बना होता है, आई लेंस हमारा बना होता है जेली लाइक मटेरियल से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द सेंस ऑफ विजन कैरीड फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। अब देखिए, ऑप्टिक नर्व हमारा क्या करता है, ऑप्टिक नर्व कैरी करता है सेंस ऑफ द विजन फ्रॉम आई टू द ब्रेन, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट आंसर द पॉइंट। अब देखिए, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है हमारा, ये है स्पॉट ऑन ए रेटिना एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। यहाँ से दिख रहा है कि हम लोग ऑप्टिक नर्व बाहर निकलते जा रहा है, तो यही है स्पॉट ऑन अ रेटिना एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट आंसर द पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा स्पॉट जहां पर हमारा ऑप्टिक नर्व क्या कर रहा है, आई को लीव कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्लाइंड स्पॉट सो कॉल्ड, इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन, यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको ब्रेन पर नहीं भेजा जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कंटेन इन द रेटिना, रेटिना में हमारा कितना नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होता है, तो हमारा आंसर होगा मोर देन 125 मिलियन रिसेप्टर्स। कितना रिसेप्टर्स होता है हमारा, तो मोर देन 125 मिलियन रिसेप्टर्स होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई से हम लोग क्या समझते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, जो आई लेंस का एबिलिटी होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकोमोडेशन बोलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई का दूसरा नाम हमारा क्या है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द फार पॉइंट, फार पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर आई जो है क्लियरली देख सकता है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई, नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली, ऐसा नियरेस्ट पॉइंट जहां पर आई हम लोग को, आई से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारा होता है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से क्या समझते हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है अप टू विच आई कैन क्लियरली एंड इज क्लियरली सी. तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक आई हम लोग को देख सकता है, इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में हम लोगों को कौन कौन सा डिफेक्ट्स हो सकता है. तो पहला होता है मायोपिया जिसको हम लोग कहते हैं नियर साइटनेस. दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटनेस. और तीसरा होता है हमारा एस्टिगमेटिज्म. तो नियर साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज नियर साइटनेस. तो नियर साइटनेस क्या होता है हमारा, इट इज द डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच अ पर्सन कैन बी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. पर्सन क्या करता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है बट कांट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स. तो नियर साइटनेस में क्या होता है कि हम लोग नजदीक का चीज देख सकते हैं लेकिन दूर का चीज क्लियरली नहीं देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नियर साइटनेस. हम लोग पढ़े ऊपर इसका अदर नेम क्या होता है, मायोपिया होता है. नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है गिव वन काउज ऑफ नियर साइटनेस. तो नियर साइटनेस का हमारा जो एक काउज होता है डिक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. आई लेंस का फोकल लेंथ के घट जाने के कारण हमारा नियर साइटनेस बीमारी होता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाउ इज नियर साइटनेस करेक्टेड. इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मायोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं. तो हमारा आंसर होगा यूजिंग अ कन्वेंस कनकेव लेंस ऑफ अ सुटेबल फोकल लेंथ. हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सुटेबल फोकल लेंथ का. इससे हम लोग का जो मायोपिया है मायोपिक पेशेंट या नियर साइटनेस हमारा सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम उसका. क्वेश्चन है कि वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ इन एन आई सफरिंग फ्रॉम नियर साइटनेस. जिस आदमी को मायोपिया है या नियर साइटनेस की बीमारी है तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो उसका होता है फ्रंट ऑफ ए रेटिना यानी कि रेटिना से पहले ही होता है हमारा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन व्हाट इज लॉन्ग साइटनेस. लॉन्ग साइटनेस क्या होता है हमारा, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होता है, लोग दूर का चीज देख सकता है लेकिन नजदीक का चीज नहीं देख सकता, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटनेस. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है गिव वन रीजन ऑफ लॉन्ग साइटनेस. लॉन्ग साइटनेस का रीजन क्या, इंक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई. इसमें आंख का जो फोकल लेंथ बढ़ जाता है. मायोपिया में क्या था हमारा, फोकल लेंथ घट जाता था, लेकिन लॉन्ग साइटनेस में क्या होता है हमारा कि फोकल लेंथ हमारा बढ़ जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन एन आई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस. जिसको लॉन्ग साइटनेस का बीमारी है उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द रेटिना होता है हमारी, यानी कि रेटिना के बाद होता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ इज लॉन्ग साइटनेस करेक्टेड. इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ अ सुटेबल फोकल लेंथ. तो सुटेबल फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ का इस्तेमाल करके हम लोग लॉन्ग साइटनेस को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एस्टिगमेटिज्म. एस्टिगमेटिज्म क्या है, इन विच अ पर्सन कांट सी इन ऑल डायरेक्शन. ऐसा बीमारी से पर्सन जो है सभी डायरेक्शन में नहीं देख सकता, उस बीमारी को लोग क्या कहते हैं, एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया हमारा क्या है, तो प्रेसबायोपिया इज दैट इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कांट रीड एंड राइट कंफर्टेबली. प्रेसबायोपिया हमारा ऐसा डिफेक्ट है ह्यूमन आई का जिसमें ओल्ड पर्सन जनरली ये ओल्ड पर्सन में होता है हमारा, जिसमें वो ना सही से देख सकते हैं ना सही से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेम वन डिफेक्ट ऑफ अ विजन विच कांट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंस. ऐसा हम लोग को डिफेक्ट ऑफ विजन बताना जिसको हम लोग किसी भी लेंस से दूर नहीं कर सकते, तो हमारा कैटारैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई. जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना में वो हमारा होता है रियल एंड इनवर्टेड इमेज. कैसा इमेज का नेचर है हमारा, तो रियल इनवर्टेड इमेज. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल्स आर जनरेटेड एंड सेंड टू द ब्रेन बाय द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना. तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय रॉड्स एंड द कॉन्स. ये हमारा फोटो सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना होता है. क्या होगा, रॉड एंड कॉन्स आर द फोटो सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना एंड आर सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व. इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व सिग्नल जनरेट किया जाता है किसके थ्रू, तो रॉड एंड कॉन्स के थ्रू, जो हमारा फोटो सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना है, और ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा बायफोकल लेंस. तो बायफोकल लेंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए. यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें. और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू.